मिल्खा सिंह आज भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय थे। खेलों में उनके अलावा योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मिल्खा सिंह के खेल को देखकर उनकी तारीफ करते हुए ये अपने उन्हें मिल्खा सिंह का पर गर्व था। अगर बात करें प्रारंभिक जीवन तो प्रारंभिक जीवन मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब के एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 में हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में से एक थे। उनके कई भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहन को खो दिया। अंततः वे शरणार्थी बनकर ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वह अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। भारत के विभाजन के बाद की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। एक होनहार धावक के दौर पर वह ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ सफलता पूर्वक की और इस भारत के अब तक के सफल धावक बने। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धावक भी रहे। इसी समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वे वहां जाने से हिचक रहे थे। लेकिन न जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्हें जाने को कहा गया। उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार कर लिया। दौड़ में मिल्खा सिंह ने सरलता से अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त कर दिया और आसानी से जीत गए। अधिकांश मुस्लिम दर्शक इतने प्रभावित हुए थे, पूरी तरह से गुरुकानसीन औरतों ने भी इस महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार दिए थे। तभी से इनका नाम फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। मिल्खा सिंह ने अपनी कड़ी मेहनत की और 200 मीटर की दौड़ 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। मिल्खा सिंह ने भारत को कई स्वर्ण पदक दिए हैं। इस प्रकार से राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तित्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बने। दोस्तों, ये रही मिल्खा सिंह की छोटी सी जीवनी। मैं बहुत ही जल्द मिल्खा सिंह के 2 पार्ट लेके आऊंगा। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।